Hey guys, good evening, namaskar, assalamu alaikum. Today in this video, I'll discuss about some sentences or some phrases which are regularly used at home in our daily life. घर पर बहुत सारे sentences ऐसे use किए जाते हैं जो कि regular हमारे life में बार-बार वही repeat होते हैं. तो ऐसे sentences को अगर हम English में बोलना start कर दें, तो definitely हमारी spoken English इम्प्रूव होगी. आज की इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको घर पर बोले जाने वाले लगभग सभी सेंटेंसेस याद हो जाएं, समझ में आ जाएं, और मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए. मतलब मैं हर सेंटेंस के बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एटलीस्ट थ्री टाइम्स उसको रिपीट करूंगा. आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है. लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके रखिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी. लाइक तो आप अभी कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर. मींस दूध फट गया है. अक्सर जब दूध फट जाता है तो कोई ना कोई हमारे घर में इस सेंटेंस को जरूर यूज करता है और बोलता है अगले पर्सन को, अगले फैमिली मतलब फैमिली मेंबर को, कि दूध फट गया है. तो अगर हम इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, दूध फट गया है, तो अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, भले ही अगला ना समझ पाए, तो आप उसको बता दो कि दूध फट गया है, मैं ये बोल रहा हूँ. पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इंग्लिश में बोलो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है ना. तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस कैसे होगी. ओके, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस एट द टाइम ऑफ जब दूध फट जाए. तो द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर. ओके, सो लेट्स स्पीक विद मी. The milk has turned sour. Okay? The milk has turned sour. The milk has turned sour. The milk has turned sour. Very good. You are doing very well. उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे हैं. रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा. The next one is keep the room clean. यानी जो भी आपके कमरे की देखभाल करता है, साफ सफाई करता है, उससे आप अक्सर ये चीज बोलते हो कि कमरे को साफ रखो. Okay, so in that situation, you can use this sentence, keep the room clean. Okay, so let's speak with me. Keep the room clean. Keep the room clean. Keep the room clean. Keep the room clean. Very good. Marvelous. You are doing very well. The next one is, what new dish is made today? मतलब आज खाने में क्या पका है. जब आप अपनी मम्मी से, अपनी भाभी से, अपनी बड़ी बहन से, चाचा आंटी से, जो भी आपके घर में खाना पकाता है, जिसकी जिम्मेदारी खाना पकाना, उसे आप अक्सर ये पूछते हैं कि आज खाने में क्या पका है, क्या बना है. तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस का यूज कीजिए. व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे. व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे. ओके, लेट्स रिपीट विद मी. व्हाट्स न्यू डिश इज मेड टुडे. व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे. व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे. व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे. What new dish is made today? Very good, marvelous. You are doing very well. The next one is put wet clothes in the sun. गीले कपड़ों को धूप में सुखा दो. अक्सर मान लीजिए कभी कभी हमें भी शौक लग जाता है, हम कपड़े धुल देते हैं और अगले जो भी हमसे छोटा होता है फैमिली मेंबर, उसको बोलते हैं इस गीले कपड़े को धूप में सुखा दो. या फिर किसी ने गीला कपड़ा रखा हुआ है, धूप में नहीं रखा है, तो एडवाइस दे दे किसी फैमिली मेंबर को, भाई गीला कपड़ा है, धूप में सुखा दो, धूप में रख दो. ओके, सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, यू कैन यूज दिस सेंटेंस. पुट वेट क्लोथ्स इन द सन. पुट वेट क्लोथ्स इन द सन. ओके, सो लेट्स रिपीट विद मी. Put wet clothes in the sun. Let's speak, yeah. Let's speak. शर्माओ मत. अगल बगल वालों से डरो मत, घबराओ मत, शर्माओ मत. जब तक आप शर्माओगे, घबराओगे, मजा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे. पता है दुनिया का सबसे बड़ा यही रोग है. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसको अपने दिमाग से निकाल दो. जब तक ये बीमारी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी ना, डेफिनेटली आप कुछ नया कर ही नहीं सकते. ओके, सो लेट्स रिपीट विद मी इन लाउड वॉइस. पुट वेट क्लोथ्स इन द सन. Put wet clothes in the sun. 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 Very good, marvelous. You are doing really very well. The next one is let me get ready. मैं तैयार हो जाऊं. कोई आपको बोल रहा है कि चलो वहां चलना है, चलो यहाँ, मतलब कहीं भी जाने के लिए प्लान बना हुआ है, वो जल्दबाजी कर रहा है, तो आप उससे बोल रहे हैं थोड़ा तैयार हो जाओ ना. ओके, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस सेंटेंस. लेट मी गेट रेडी. लेट्स स्पीक विद मी. लेट मी गेट रेडी. Let me get ready. Let me get ready. Let me get ready. Let me get ready. Very good, marvelous. You are doing very well. Amazing. You are taking too long. तुम बहुत देर लगा रहे हो. तैयार ही हो रहे हो इतने देर से और क्या कर रहे हो. बहुत देर लगा रहे हो तुम. So तुम बहुत देर लगा रहे हो. अगर आपको ये किसी से बोलना हो in that situation, उस condition में आप ये बोल सकते हैं, You are taking too long.
मतलब तुम बहुत देर लगा रहे हो. लेट्स स्पीक विद मी. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग. वेरी गुड, मार्वेलस, यू आर डूइंग वेल. द नेक्स्ट वन इज वी विल रीच देयर बिफोर टाइम. ओके, हम उससे बोलते हैं कि भैया कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, समय से पहले ही पहुंच जाएंगे. ओके, तो जब आपको ये बोलना हो कि हम समय से पहुंच जाएंगे, उस कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं वी विल रीच देयर बिफोर टाइम. वी विल रीच देयर बिफोर टाइम. लेट्स स्पीक विद मी. वी विल रीच देयर बिफोर टाइम. 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 सो गाइस, आपने ये पढ़ा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होता है, तो यहाँ पर विल क्यों लगा है? तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर शैल का यूज नहीं करते हैं, विल का ही यूज करते हैं. शैल भी आप कर सकते हैं, नो इशू, बट मॉडर्न जमाने में मतलब आजकल विल का ही यूज किया जाता है, शैल को इग्नोर किया जाता है. लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कोई आर्टिकल ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो उसमें आप शैल का यूज कीजिए. बट स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज यू आर वेलकम. किसी को स्वागत करना हो ये तो जनरली बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको तो आपको पता ही होगा. लेट्स स्पीक विद मी. यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. वेरी गुड, मार्वेलस, यू आर डूइंग वेल. द नेक्स्ट वन इज ही बिहेव्ड वेरी रूडली. मींस हमारे साथ अगर किसी ने बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही गलत व्यवहार किया है, कुछ अभद्र शब्दों का यूज किया है, और उसके बारे में हम किसी को बता रहे हैं कि उसने बहुत ही गलत व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, सो इन दैट कंडीशन, दैट सिचुएशन, वी कैन यूज दिस सेंटेंस, ही बिहेव्ड वेरी रूडली. ओके, सो लेट्स स्पीक विद मी. ही बिहेव्ड वेरी रूडली. ही बिहेव्ड वेरी रूडली. He behaved very rudely. He behaved very rudely. Well done, marvelous. You are doing very well. The next one is I can't wait any longer. बहुत देर तक आप इंतजार कर रहे हैं और आप अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप किसी को बता रहे हैं कि आप मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता. इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस सेंटेंस, आई कांट वेट एनी लॉन्गर. सो लेट्स स्पीक विद मी. आई कांट वेट एनी लॉन्गर. I can't wait any longer. I can't wait any longer. I can't wait any longer. Very good, marvelous. You are doing very well. The next one is there is nobody inside. किसी ने पूछा किसी के बारे में कि मतलब अंदर वो है, तो हमें ये बोलना है कि अंदर कोई नहीं है, या फिर ऐसे ही कोई पूछ रहा है कि अंदर कौन है, तो हम बोलते हैं कि अंदर कोई नहीं है, इस कमरे में या अंदर या घर में. In that situation, you can use this sentence. There is nobody inside. अंदर कोई नहीं है. Okay? So let's speak with me. There is nobody inside. 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 Very good, marvelous. You are doing very well. The next one is now go to sleep. चलो अब सोने चले. आओ अब सोने चले. किसी को आप मतलब proposal कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि चलो अब सोने चलते हैं. So in that situation, you can use this sentence. चलो सोने चले. Now go to sleep. Let's speak with me. Now go to sleep. 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 चलो अब सोने चले. Now go to sleep. Very good, marvelous. आपके घर में कोई है जो बहुत देर तक जागता है और आप रात को उठते हैं, आधी रात के बाद उठते हैं, देखते हैं वो बच्चा, वो बंदर जाग रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको देखकर आप बोलते हैं यू आर स्टिल अवेक. तुम अभी भी जाग रहे हो. यू आर स्टिल अवेक बोले तो तुम अभी भी जाग रहे हो. तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस सेंटेंस, यू आर स्टिल अवेक. ओके, लेट्स स्पीक विद मी. यू आर स्टिल अवेक. You are still awake. You are still awake. Because this is exclamatory sentence. Okay? That is mark of exclamation. Exclamatory sentence है, तो आपको थोड़ा सा exclamation face पर दिखना चाहिए.